दोस्तों, तो देखते हैं कि कल जो हमने TCS में लेवल दिया था आपको कि 2516 के ऊपर TCS जाएगा तो बाय करना है, और 2503 या तो उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करना है। ये कल के वीडियो में ही, कल शाम को ही मैंने ये बताया था। इसके लिए हमने ये डेट और टाइम यहाँ पे लिया था 21 तारीख का 2:45 का। जो क्या हुआ था वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। TCS में यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करा था, सही है? तो हमने ये कल रात को ये बात बताया था यहाँ पे कि भाई ये ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो अभी अगले दिन मतलब आज सुबह जैसे अभी मार्केट खुलेगा, तो ये मार्केट खुलने के बाद पहले 15 मिनट हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट को कि हमने जो लेवल निकाला हुआ है इसका, ये लेवल है हमारा 2516 के ऊपर बाय था और 2503 या तो उसके नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, ऐसे हमने बताया था। और उसके लिए फर्स्ट 15 मिनट हम वेट करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते होंगे कि पहले 15 मिनट में ही मार्केट ने लो कर दिया है 2482 का। 2482 मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो प्राइस था अपना, ये जो सेल का प्राइस था उसके नीचे चला गया, तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है 2503 से, ठीक है? तो अभी आगे क्या करना है हमें, जब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चुक गया है तो हमें क्या करना होता है कि हम एक काम करना है कि भाई ये जो स्विंग लो लेके हमने जो कैलकुलेशन किया था ये अभी छोड़ देंगे। ये स्विंग लो लेके जो हमने कैलकुलेशन किया ये छोड़ देंगे, और अभी हम मार्केट जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो चीज़ का कैलकुलेशन करना है हमें, तो कैसे रहेगा वो देखेंगे, सही है? तो उसके लिए क्या करना है आपको कि मार्केट यहाँ से जो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ये कल का जो हाई बनाया मार्केट ने 2555, तो उसका वो जो हाई बनाने के बाद पहली बार मार्केट जब नीचे क्लोज किया हुआ वो है 2 बजे किया हुआ है, 22 तारीख का है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये आपका रेफरेंस के लिए ये कैलकुलेशन वैसे रखता हूँ, और TCS के जो डाउन ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए मैं नया डेटा लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 21 की जगह पे 22 डाल दूंगा मैं, और मार्केट ने यह कितने बजे किया है, 2 बजे किया हुआ है, ठीक है? ये 2 बजे मार्केट ने किया हुआ है, जस्ट मैं इसे गेट डेटा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट ने ये 2 बजे के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जब ये लाइव मार्केट चला 2507 को हमने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से लाइव चल रहा है 1-15-20 मिनट यहाँ पे मार्केट हुआ है। अभी इसके बाद अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो कब मार्केट जाएगा यह हमें समझना रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है पहले ये मैं बताता हूँ। तो उसके लिए हमें सिंपल सा चीज़ करना है कि ये डेटा यहाँ से जो हमने लेना था वो प्रोसेस मैंने ले लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये डेटा लिया हमने, और इसे जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने ये लेवल रहेगा यहाँ पे, ठीक है? इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मतलब ये आराम से आप देख सके। ओके, तो अभी ये लेवल हमारे पास है जो इनिशियल फेज पे मार्केट था, जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया हुआ है, ये कैंडल बना, इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ, ये इसके अंदर इनसाइडर कैंडल बना है और इसका लो ब्रेक हो चुका है, और दोनों प्लेन है। तो फिर आप जब सीधा आपका स्टॉप लॉस 2515.52 इसके बीच में लेके आ सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा नीचे आना है और 2515 तक हम नीचे आएंगे, 2515 तक हम नीचे आ रहे हैं। ओके, आ चुके हैं हम। तो अभी मार्केट में अगर 2523 के ऊपर अगर जाएगा तो ही अप ट्रेंड में जाएगा, तब तक TCS डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये मैंने लाइव मार्केट जब चला तब के लिए लेवल निकाल दिया, ऑलरेडी हम 2503 से शॉर्ट में हैं जो कल का लेवल था उसके वहाँ से हैं। और अभी अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा, 2523 के ऊपर जाएगा तो अभी इसके बाद, अभी 10:09:53 हो रहा है, उसके बाद अगर 2523 जाएगा तो ही अप ट्रेंड का सोचना है, या तो 2513 है तो उसके नीचे जब भी अभी वापस भी मिलता है तो वापस आपको शॉर्ट सेल ही करना है। और अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने ये प्लेन कैंडल बनाया हुआ है, इसका लो अभी 82 बना, ब्रेक करेगा शायद थोड़े टाइम के बाद, ये हाई बनाया 2508, जैसे ही मेरा हाई 2505 के नीचे आएगा तो वापस मैं डाउन फेज करूँगा, वापस स्टॉप लॉस मेरा नीचे आ जाएगा। अभी तो उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट में भी मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, अभी के लिए थोड़ा सा माइनस में रहेगा। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, वापस यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो अभी अपने हमें पता है कि TCS से लाइव मार्केट का मैंने एनालिसिस करवा के दिखाया आपको कि 2503 से हम शॉर्ट में हैं, उसका स्टॉप लॉस 2523 लगा के रख दिया है, यहाँ से नीचे जितना भी जाएगा तो वो ट्रेड हमें रखना है, इसमें हमें काम करना है। इस हिसाब से हम लाइव मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। या तो यहाँ पे और एक ऑप्शन था कि अगर किसी को ये कल का कैलकुलेशन जिसके पास नहीं है, तो इसके लिए मैंने वापस ट्रेनिंग में भी मैं बताता हूँ यहाँ पे
ये पहला कैंडल तो हम काम नहीं करेंगे, दूसरा कैंडल ये बनेगा, तो ये इसके अंदर इनसाइडर बन गया, ठीक है। तो इनसाइडर का अगर लो ब्रेक होता है तो वापस हाई से ही हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो ये कैंडल इसके बीच में था, इसका लो ब्रेक हुआ, ये जो इनसाइड जो बीच का कैंडल था इसका लो ब्रेक हो गया, जो 2490 था ये अगले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हमें पता चल गया यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो आप सीधा स्विंग हाई लेके कैलकुलेशन कर लो, स्विंग हाई कैलकुलेशन करोगे और आपको ये जो कैंडल जो इंसाइडर है इसका क्लोज सीधा बीच में ला के आपको एंट्री पॉइंट निकलना, भी कहाँ पे शॉर्ट करना है। जैसे 2501 दिख रहा था, वही हमारा 2503 को शॉर्ट हुआ है, वही से मार्केट नीचे आया हुआ है, और आपको प्लस उस सबसे बीच में लाते रहना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने ये इसको बीच में लेके आया, अभी ये अब इसका वापस आगे जाएगा, तो इसको वापस बीच में लाते जाएंगे और आगे आगे टॉपलस लाएंगे, इस हिसाब से अभी करना है। तो फिलहाल अभी के लिए लेवल आपके सामने ये है कि जब तक 2523 के ऊपर जाता नहीं तब तक शॉर्ट में ही है, और इसके नीचे अगर मार्केट हाई बना तो वापस डाउन फेज में आना है। इस हिसाब से आज का TCS का हमारा एनालिसिस हुआ है, ये TCS का मैंने एनालिसिस करके दिखाया हुआ है आपको, ये लाइव मार्केट जब चल रहा है तब की हमने एनालिसिस किया। तो देखते हैं कि क्या प्रॉफिट आता है, किस हिसाब से आता है, इसका टारगेट कैसे निकलना है, टॉपलस कैसे निकलना है। इसके लिए भी यहाँ पे देखो शो टारगेट टॉपलस हमारे रहते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसको पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।